सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेटिव यूनिवर्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए रोज नए नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेकर आए। तो आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन एंड करेक्शन से। तो क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा है, वेरिफिकेशन से नहीं करने से क्या होगा। तो आप समझ लीजिए, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन से नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखिए, एक वेरिफिकेशन प्रोग्राम है, अगर आपका जो वोटर लिस्ट है या आपका वोटर कार्ड है तो उसमें अगर कोई गलत है तो उस गलत को सही करने के लिए एक प्रोग्राम किया गया है। तो अगर आप इस प्रोग्राम पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपका जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वोटर आईडी कार्ड में हो या वोटर लिस्ट पे हो वो रॉन्ग ही रह जाएगा, वो कभी सुधरेगा नहीं। तो इसीलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल चुके हैं तो हम लोग इसको करेक्शंस कर लेते हैं, करके हमारा जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को करना है। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग ही रह जाएगा, उसमें कोई करेक्शंस नहीं होगा। तो बाद में क्या होता है, वो इलेक्शंस कमीशन से जब ऑर्डर आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चंस पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस यही है कि स्टेटस पे रिजेक्ट है तो क्या होगा। तो देखिए भाई, अगर आपका स्टेटस पे रिजेक्ट आ गया है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, उसमें आप जो करेक्शंस किए हैं वो करेक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, तो अगर स्टेटस पे आपको रिजेक्ट आ रहा है तो उस फॉर्म को आपको फिर से अप्लाई करना है। अप्लाई करके जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको फिर एक रेफरेंस आईडी मिलेगा, उस रेफरेंस आईडी से आप फिर से ट्रैक करके रहिए। तो अगर वो सक्सेस हो जाता है तो आपका करेक्शंस हो जाएगा, अगर सक्सेस नहीं होगा तो वो करेक्शंस नहीं होगा। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। स्टेटस पे रिजेक्ट बट बीएलओ ठीक कर पाएगा क्या। तो अगर देखिए भाई, अगर आपका स्टेटस पे रिजेक्ट आ गया तो उस फॉर्म को फिर आप बीएलओ के पास ले जाएंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि जो ऑनलाइन पे होता है वो ऑफलाइन से नहीं होता है। मतलब क्या है, ऑनलाइन से पे जो आप सबमिट कर देंगे, जो डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर देंगे तो उसी बेसिस से ही वो सक्सेस या रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन आप बीएलओ के पास जाएंगे शायद आपका कुछ होने वाला नहीं। तो भी अगर चाहते हैं आप कि बीएलओ के पास जाके कुछ डिस्कस करें तो आप डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करके उससे पूछ सकते हैं कि आप ऑफलाइन कुछ तरीके से कर सकते हैं क्या। तो गया आपका थर्ड नंबर क्वेश्चंस। तो चलिए अभी फोर्थ नंबर क्वेश्चंस के ओर चलते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चंस यही है कि बीएलओ के पास जो लिस्ट है उस पे मेरा नाम है तो अभी क्या करूँ। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए अगर आपका जो बीएलओ के पास जो लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम है तो आपका वेरीफाई नहीं हुआ है, आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या है, आप जो पहले अप्लाई किए थे वो आपका रिजेक्ट हो गया, तो आपको दोबारा से फॉर्म फिलअप करके वेरीफाई करना है, तभी आपका वेरीफाई हो जाएगा। बट आप एक बार बीएलओ के साथ डिस्कस कर लीजिए कि कोई ऑफलाइन प्रोसेस है क्या इसको वेरीफाई करने के लिए। अगर बीएलओ बोलते हैं कि हाँ ऑफलाइन कर सकते हैं तो आप ऑफलाइन कर लीजिए, नहीं तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन आएगा बीएलओ के पास आएगा तो उससे डिस्कस करके ही आपको करना है। तो एक गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अभी हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है, न्यू वोटर आईडी कार्ड कब मिलेगा। तो इस क्वेश्चंस पर हम लोग थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड पे कोई गलत था उसको आप करेक्शंस कर दिया, तो करेक्शंस करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेस भी हो गया। तो अभी क्या सोच रहे हैं, आपका न्यू वोटर आईडी कार्ड मिलना है। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड पे कुछ गलत था फिर वो करेक्ट भी हो गया तो आपको न्यू वोटर आईडी कार्ड जरूर मिलेगा। बट इलेक्शंस कमीशन से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि कब आपको वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। तो अगर इलेक्शंस कमीशन से कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन आते हैं न्यू वोटर आईडी कार्ड रिलेटेड तो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में यही पास क्वेश्चंस था। अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिख दीजिए, मैं कल उस क्वेश्चंस का रिप्लाई दे दूंगा। तो कल फिर लेके आऊँगा पास क्वेश्चंस। तो चैनल के साथ बने रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।